प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ सिंहासनगतानित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुवरास्तु सदा देवी स्कन्धमाता यशस्विनी। ॐ माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएँ हैं। यह दाहिनी तरफ अपने ऊपर वाली भुजाओं में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरभद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजित हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना देवी स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य रूप से सदैव इसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुख से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ओम या देवी सर्वभूतेषु स्कंधमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमश्चण्डिकायै।